दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा तीन बड़ी ही कमाल की एप्लीकेशन के बारे में जो आपके एंड्रॉयड फोन के लिए काफी यूजफुल होने वाली हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद बस यही कहेंगे, यार ये वीडियो तूने पहले क्यों नहीं बनाई और तूने ये एप्लीकेशन पहले क्यों नहीं बताई। तो दोस्तों ये कौन सी एप्लीकेशन है वो वीडियो में आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे इस प्लेनेट पर पहली दफा उतरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाना। बेल का आइकन दबाना लाजमी है क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा ना इस प्लैनेट पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे। इस वीडियो में लाइक टारगेट आपके सामने आ रहा होगा, आपने वीडियो का लाइक टारगेट लाजमी पूरा करना है। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, पता नहीं क्या बात है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होगा, उसको लाजमी ब्लू कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर की एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नेम है वाईफाई क्यूआर जनरेटर। दोस्तों इस एप्लीकेशन के बेनिफिट पे बात कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से आप वाईफाई का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट है, बहुत दफा ऐसा होता है अगर आपका कोई फ्रेंड आता है और आपके वाईफाई का कनेक्शन लेना चाहता है तो आप बार बार उसको पासवर्ड बताएंगे, तो अगर ऐसे में बहुत ज्यादा फ्रेंड है आपके तो आप हर एक को बताने से तो रहे, लेकिन दोस्तों उस वक्त आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों अपने किसी भी फ्रेंड को अपने वाईफाई से कनेक्ट करवाना चाहते हैं, आपने जस्ट उसको क्यूआर कोड स्कैन करवाना है तो वो दोस्तों ऑटोमेटिक आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरह करना है, सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने अपने नेटवर्क का नेम लिख देना है, जो भी दोस्तों आपके वाईफाई का नेम है आपने वो इधर लिख देना है। वाईफाई का नाम लिखने के बाद नीचे की तरफ आपने वाईफाई का पासवर्ड लिख देना है। वाईफाई का पासवर्ड लिखने के बाद आपने सिक्योरिटी टाइप इधर से चूज कर लेनी है, जो भी आपकी वाईफाई की सिक्योरिटी है, आप WPA है या WPA2 है, जो भी है आपने इधर से सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब जिस भी बंदे को आप अपने वाईफाई से कनेक्ट करवाना चाहते हैं, सिंपली दोस्तों आपने इस क्यूआर कोड को उससे स्कैन करवाना है तो वो ऑटोमेटिक आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो काफी यूजफुल एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को लाजमी ट्राई करना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। इस एप्लीकेशन का नेम है वीडियो लाइव वॉलपेपर। दोस्तों बेसिकली तौर पे कि ये वीडियो वॉलपेपर ऐप है जो कि काफी कमाल की ऐप है, आपके मोबाइल की लुक एकदम टोटली तौर पे चेंज कर देगी। दोस्तों जितना भी आप महंगा मोबाइल ले लें, अगर दोस्तों आपके मोबाइल में एक कमाल की एप्लीकेशन नहीं है तो आपका मोबाइल बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आपका फ्रेंड भी आपसे लाजमी पूछेगा कि यार ये कौन सी वॉलपेपर एप्लीकेशन है। जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, होम पेज पे आपको डिफरेंट कैटेगरी वाइज वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये फिश वाला वॉलपेपर है, तो ये वॉलपेपर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे सेट करता हूं और फिर दिखाता हूं कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन किस तरह की लगती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इस वॉलपेपर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये बटन एक नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने जो वॉलपेपर का आइकन है उस पर क्लिक कर देना है और अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो वॉलपेपर है मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे सेट हो गया है। देख सकते हैं आप कितना कमाल का लग रहा है। इस वॉलपेपर ऐप में दोस्तों और भी वीडियो वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपके मोबाइल की लुक टोटली तौर पे चेंज कर देंगे। काफी कमाल कमाल के वॉलपेपर आपको इधर देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद है आपने सिंपली इधर से उसको सबसे पहले डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल पे सेट कर देना है। और दोस्तों एक और आपको बात बता दूं, इसमें कुछ वॉलपेपर ऐसे हैं जिनको अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आपको 15 या 30 सेकंड का एड वॉच करना पड़ेगा, तभी आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और अपने मोबाइल पे सेट कर पाएंगे और अपने मोबाइल की लुक और भी ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। चलते हैं अपनी फाइनल एंड लास्ट एप्लीकेशन की तरफ। इस एप्लीकेशन का नेम है डू नॉट टच माय फोन। दोस्तों बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बेनिफिट पे कि इस एप्लीकेशन का क्या बेनिफिट है। बहुत दफा दोस्तों ऐसा होता है आपने अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया या आप अपने मोबाइल को रखकर अपने पास सो गए, तो ऐसे में कोई ना कोई बंदा आपके मोबाइल के साथ उंगली करता है या आपके मोबाइल को ओपन करना चाहता है। अगर उसको थोड़ा बहुत आपका पासवर्ड का पता है तो वो आपके मोबाइल के साथ लाजमी छेड़खानी करेगा। ऐसे में दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। आपके मोबाइल को ओपन करना तो दूर की बात, अगर कोई बंदा आपके मोबाइल को हाथ भी लगाएगा तो आपके मोबाइल में एक अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसी ने आपके मोबाइल के साथ उंगली की है, आप रिप्लाई में उसको उंगली कर पाएंगे। तो किस तरह आपने अलार्म सेट करना है, दोस्तों जब भी आपने अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना है या आपने अपने मोबाइल
को अपने पास रखकर सोना है तो आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों कोई भी बंदा आपके मोबाइल को हाथ लगाएगा तो ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल के साथ किसी ने उंगली की है। और साथ ही साथ दोस्तों इधर एक और फीचर आपको देखने को मिल जाता है जो कि है पिन कोड का। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने अलार्म लगाया और किसी बंदे ने आपके मोबाइल को हाथ लगाया तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अलार्म बजना स्टार्ट होगा तो आपकी स्क्रीन पे स्टॉप का बटन लिखा आ जाएगा। तो दोस्तों वो बंदा जिसने आपके मोबाइल पे हाथ लगाया वो स्टॉप के बटन पे क्लिक करके आपके अलार्म को ऑफ भी कर सकता है। अगर आप इधर पिन सेट कर देते हैं तो ऐसी सूरत में वो आपके अलार्म को स्टॉप नहीं कर पाएगा, आप ही जस्ट अपने अलार्म को स्टॉप कर पाएंगे और आपका अलार्म बजता रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि किसी ने उंगली की है। तो दोस्तों काफी कमाल की यह भी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को भी एक दफा लाजमी ट्राई करना। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को लाजमी दबाना, अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करना। कमेंट बॉक्स मुझे कमेंट करके लाजमी बताओ आपने कौन सी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।